हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम जानेंगे एमएस एक्सेस में यदि हमको कोई डाटाबेस बनाना होता है तो कैसे डाटाबेस बनाते हैं। क्योंकि पिछली क्लास हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि एमएस एक्सेस होता क्या है, तो हमने ये बताया था कि एमएस एक्सेस क्या होता है, एक डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियों का इसमें डेटा आसानी से एंट्री हो जाता है। आ रहा समझे ना? जैसे अगर किसी भी कंपनी का अगर हम चाहते हैं सारा डेटा मैनेजमेंट करके रख सकते हैं तो आसानी से हम उस एक्सेस में उस डाटा का मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब इसके लिए हमने ये बताया था कि सबसे पहले जब आप एमएस एक्सेस को ओपन करेंगे तो ये फाइल आपको पहले ही सेव करनी पड़ेगी। पहले क्या करना होगा, जैसे भी हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप डाटाबेस पे क्लिक करें तो क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है, पहले सेव करना होगा ना। तो लगभग हम लोग पिछले क्लास में सेव किए थे कहाँ पर, डी ड्राइव डी ड्राइव। आ जाएंगे डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में क्या नाम दिए थे हम लोग, पहले एमएस एक्सेस दिए थे ना। एमएस एक्सेस के बाद हम क्या दिए थे, स्टूडेंट डाटाबेस। अब इस स्टूडेंट डाटाबेस ओपन करने के बाद देखिएगा, यदि जैसे आप लोग एक्सेल ओपन करते हैं ना, तो एक बार आप एक्सेल ओपन कर लेते हैं उसमें अलग अलग सीट लेकर के डेटा बनाते हुए चले जाते हैं, वैसे आप एक्सेस में भी क्या करेंगे, एक यदि आपने फाइल बना लिया तो उसके अंदर आपको जितना डाटाबेस बनाना होगा वो बनाते हुए चलेगा। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले यदि हमको क्या करना हो, कोई भी डेटा बनाना होगा तो पहले इसमें हेडिंग तैयार करना हो। पहले क्या तैयार करना होगा, डेटा हेडिंग कैसे तैयार करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको आना होगा किसमें, क्रिएट। क्रिएट में आने के बाद से आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, पहला टेबल का, दूसरा टेबल डिजाइन। तो ध्यान रखिएगा यदि टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा एंट्री होने के लिए आएगा कि आपको क्या क्या लिखना है, लेकिन यदि आपको हेडिंग बनाना है पहले तो उसके लिए किस में जाना होगा, टेबल डिजाइन। देखिए कोई इशू नहीं है, अगर आप इसमें आ गए टेबल में, एक टेबल बन गया है ना। देखिए ये आपका नंबर लिखने के लिए आया, यहाँ पे एंटर करिए, जो भी आपको लिखना है लिख के जाइए, एंटर कर लीजिए, फिर यहाँ पे लिखिए, एंटर करिए, बढ़ता जा रहा है ना फील्ड। लेकिन हेडिंग किस नाम से हो रहा है, हाँ फील्ड वन फील्ड टू, हम अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहीं पर फील्ड में ही एक दिखाई देगा व्यू का ऑप्शन, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू। क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला किसका है, डिजाइन व्यू, और दूसरा डाटा सेट। कि यदि आप डिजाइन करना चाहते हैं अपने हेडिंग में, एक्सेल के जैसा नहीं है, ऊपर हम कर्सर रखेंगे अपना हेडिंग डिजाइन कर लेंगे, इसमें यदि हेडिंग डिजाइन करना है तो किस में आना होगा, डिजाइन व्यू। और यदि जो आपको डेटा लिखना होगा वो उसके लिए किस में आना होगा, डाटा सीट व्यू। तो अभी हमको किस में आना होगा, डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में आने बस पूछेगा आप इस टेबल का क्या नाम देना चाहते हैं। तो चलिए पहले हम बनाते हैं स्टूडेंट डाटाबेस, पहले क्या बना लेते हैं, स्टूडेंट डाटाबेस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्टूडेंट डाटा बेस। हमने पहला अपना बना लिया क्या, स्टूडेंट डाटा, यहाँ से क्या कर लेंगे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट डाटा बेस आ गया, यहाँ पे तेरा आईडी फील्ड और फील्ड टू हेडिंग जो ऊपर दे रहा था आ गया है ना। अब करना क्या है, सबसे पहले आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, टैब बटन दबाएंगे अगले वाले में आ जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसमें देखिए डाटा टाइप में आपका यहाँ पे सेलेक्ट किया ऑटो नंबर, क्या सेलेक्ट किया है, ऑटो नंबर। तो जब ऑटो नंबर रहेगा ना तो जब आप चले जा रहे हैं किसमें, सेव कर लीजिए इसको कंट्रोल एस से, और सेव करने के बाद से आ जाइए किसमें, डाटा सेट व्यू। देखिए जो यहाँ पे नंबर चेंजिंग के लिए ऑप्शन आ रहा है ना, तो जब आप पूरा डेटा बना लेंगे तो यहाँ पे डेटा ये आपका चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए अभी हम वन कर रहे हैं, वन टाइप कर रहे हैं, हो रहा है क्या वहां पे, वन एक इरर आपको दे रहा होगा, बार बार कुछ आवाज वहां सुनाई दे रहा होगा, कहाँ कुछ इरर दे रहा है, आ रहा समझ में ना। लेकिन वही देखिए हम चले गए फिर डिजाइन व्यू में, डिजाइन व्यू ऑटो नंबर को हटा के हम सिंपल टाइप करना चाहते हैं तो हम रख लेंगे क्या, नंबर, क्या रख लेंगे नंबर। नीचे एक और चीज रख लेते हैं स्टूडेंट
नेम, कंट्रोल या सेव, सेव और आ जाएंगे फिर किसमें, डाटा सेट। अब देखिए यहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं, नाम लिख देंगे जो भी नाम होगा। विवेक, पहले तुम्हारा ही नाम लिखना विवेक। अब देखिए जैसे हम नीचे आएंगे ना, अपने आप यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अगर जब भी हम यहाँ लिखने की कोशिश करें, 0 इसलिए हो गया क्योंकि भी हम वो रखे हैं ना, 3 रहेगा ना इसके पास, यानी कि पहले ऑटोमेटिक क्या आया था, 8वां नंबर वाला। और इस बार हम क्या लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे ना। या जैसे सेव कर लीजिए, सेव करने बस एक और टेबल ले लीजिए, टेबल में बस आईडी और ये दिखा रहा है ना, क्लिक टू ऐड, तो हम चलेगा किसमें, डिजाइन व्यू। टेबल का नाम टेबल वन रहने दिए, आईडी की जगह हम क्या कर दिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, 8वां नंबर में ही है देखिएगा। और यहाँ पर हम कर लिए स्टूडेंट नेम, इसको कर लिए सेव। और सेव करने के बाद हम आ गए फिर किसमें, डाटा सेट। यहाँ पे पहले क्या दिखाई दे रहा है, न्यू दिखाई दे रहा है ना, पहले क्या दिखाई दे रहा है, न्यू। और जब हम यहाँ कोशिश भी करेंगे वन लिखने की, तो नहीं टाइप नहीं हो रहा है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखे, स्टूडेंट नेम में लिखेंगे, अपने आप वो वन हो गया है ना, अपने आप ये क्या हुआ है, इंटर करके यदि हम दूसरा नाम जैसे लिखेंगे, अपने आप क्या हुआ, दो। यानी कि 8वां नंबर का मतलब क्या होगा, आपको बार बार चेंज नहीं करना है, अपने आप को क्या करता जाएगा, चेंज करते हुए चला जाएगा। इसके नीचे तीसरा वाला देखिए न्यू दिखा रहा है, लेकिन जैसे आगे हम यहाँ नाम लिख लेंगे, अपने आप क्या हो गया है, तो 8वां नंबर का मतलब ये होगा कि आपको नंबर चेंज नहीं करना होगा, बस आप जैसे नाम लिखते जाएंगे 1 2 3 अपने आप क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए 8वां नंबर को हटा के डिजाइन व्यू में हम गए, और इसको हम कर दिए किसमें, मॉनली नंबर, इस बार सिर्फ किसमें किए हैं, नंबर। देखिएगा पहले आपको बार बार सेव करना होगा, बिना सेव के वो डाटा सेट व्यू में जाएंगे ना, तो पहले देगा यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल, कि पहले आपको क्या करना जरूरी होगा, सेव करना। नीचे कह रहा है डू यू वांट टू सेव द डाटा टेबल नाउ, कि यदि आप अभी टेबल सेव करना चाहते हैं तो यस कर लीजिए, सेव कर दीजिए। अब देखिए इसमें नीचे हम आगे नंबर लिख रहे हैं, यहाँ टाइप नहीं किए हैं बल्कि यहाँ नाम लिख रहे हैं, चेंज हुआ है अपने अपने आप 8वां नंबर, क्योंकि इस बार हम किस में रखे उसका फॉर्म नंबर नंबर। चलिए अभी हम सबको पूरे टेबल को करते हैं डिलीट, पहले सेव करना होगा, और सेव करके यहां से करना होगा क्लोज, और तब यहां से क्या करना होगा, डिलीट। ये सिर्फ इसलिए हमने बता दिया आपको कि 8वां नंबर का मतलब आप लोग समझ सके क्या है, आ रहा समझे ना। अब देखिए हमको आना हो क्रिएट में, टेबल या टेबल डिजाइन में डायरेक्टली आ जाते हैं, फील्ड नेम हमने भर लिया रजिस्ट्रेशन नंबर, ये किस में रख दें, ऑटो ऑटो में नहीं, हमको अपने हिसाब से लिखना होगा ना, तो नंबर। उसके बाद से स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम को रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट को, स्टूडेंट नेम को किस में रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद से हमको यहाँ पे लिखना होगा क्या, कोर्स, या पहले एड्रेस लिख लेते हैं, पहले हमने क्या लिख लिया एड्रेस, देखिएगा शॉर्ट टेक्स्ट में नहीं रहेगा, एड्रेस लंबा भी तो हो सकता है ना, तो उसके लिए हम रखेंगे लॉन्ग टेक्स्ट में, इसमें रखेंगे लॉन्ग लॉन्ग टेक्स्ट। उसके बाद हमको यहाँ रखना होगा कोर्स, क्या रखना होगा, कोर्स कोर्स के लिए यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं, जैसे आप लोग एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए होंगे, याद है जैसा क्या, यदि हम क्लिक करें वहां पे तो जितना नाम रहेगा वो सारा आ जाएगा, हमको जो कोई एक होगा उसको क्या कर लेना, वो सेलेक्ट करना हो, वो आगे बताएंगे कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनता है। फिलहाल बस हम यहाँ पे लिख दिए क्या, शॉर्ट टेक्स्ट, फिलहाल किस में रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद से अगला हम यहाँ पे दे दिए डेट, अगला हमने क्या दे दिया, या सबसे बेटर लिख देते हैं डीओबी, डेट ऑफ, डेट नंबर ऑफ बर्थ में हमको क्या देना होगा, नंबर नहीं, डेट एंड टाइम दे दे, क्या दे देंगे,
डेट एंड टाइम। ये देने से क्या होगा कि हमारे पास एक कैलेंडर आ जाएगा, हमको वहां लिखना नहीं पड़ेगा, हम चाहे तो सेलेक्ट वहां पे आसानी से कर सकते। उसके बाद हम दे रहे हैं फी, क्या दे रहे हैं फी, फी किस में चला जाएगा, नंबर से। फी के बाद हम दे देंगे पैड, पैड भी किस में चला जाएगा, नंबर। और इसके बाद हम दे दिए क्या ड्यू, ड्यू भी किस में चला जाएगा, इतना हो जाएगा ना। कंट्रोल यस से पहले क्या करेंगे, सेव। टेबल का नाम दे देते हैं स्टूडेंट, बेस। और यहां से क्या कर लिए, अब देखिए एक टेबल बन क्या गया है ना। अब हमको आ जाना होगा किसमें, डाटा सेट व्यू में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ तो नंबर आ गया क्या, अच्छा एक आईडी आ गया है ना। चलिए आईडी वाला कॉलम नहीं चाहिए ना, इसको हम डिलीट, इसको सेलेक्ट करके या चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ताकि ऑटो नंबर और नंबर में अंतर साथ साथ में समझ में आता रहे। सेव करेंगे और फिर आ जाएंगे किसमें, डाटा सेट में। देखिए आईडी बस हम इंटर कर लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए 101, रजिस्ट्रेशन क्या दे दिए 101। लिखते हैं पहले विवेक, विवेक शर्मा ना, एड्रेस एड्रेस बताओ, पटना पढ़ो कोर्स एडीसीए। एडीसीए। अब देखो जैसे डेटा बर्थ वाले पे आए ना, यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा हो, दिख रहा है यहाँ पर। अब देखिए इस कैलेंडर से क्या होगा कि यहाँ पे मैनुअली आप टाइप करना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो टाइप भी कर सकते हैं, आ रहा समझे ना। और ये कैलेंडर के माध्यम से देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आ गया यहाँ पे। अभी क्या लेना है, आप अच्छा दशात लेना है, तो यहाँ से ऐसे बह करके आना होगा 2007 तक। नहीं तो मैनुअल लिखना पड़ेगा, यहाँ चेंज नहीं होगा। जैसे भी हम यहाँ चाहे सितंबर पे क्लिक करें मंथ आ जाए, या ईयर पे क्लिक करते ईयर आ जाए, ऐसा नहीं। हमको ऐसे बार बार बैक करके इसमें जाना होगा, बेकार है। तो मैनुअली टाइप कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो मैनुअली क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे कैसे, हम यहाँ लिख देंगे 01। राइट हाँ 27 कितना है, 27 27। हाँ थ्री हाँ सेवन सेवन इंटर करो, यही है 27 मार्च 2000, हो जाएगा ना। और यदि आप यहाँ से नहीं लेना चाहते तो फिर कैलेंडर पे क्लिक करके ऐसे बैक करके आइएगा, जैसे वहां क्लिक करेंगे अपने आप डेट यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, हो जाएगा ना। आगे आएंगे तो आपको क्या देना होगा, फी। का फी कितना है, हम यहाँ टाइप कर दी कितना, 14 15,000 है ना जी, 15। जमा कितना किए हो, हजार ड्यू कितना है, एक, आगे हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ के पास जैसा हम इंटर करेंगे फिर आईडी पे लेके आया, आईडी हम छोड़ देंगे क्योंकि अपने आप को सपोर्ट करेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए 102, इस बार नाम दे दे किसका, संदीप, डबल ई लिखते हैं जी, सही है ना। आगे एड्रेस, चलो तुम्हारा ही पटवाना लिख देते हैं। और तुम्हारा डीसी है कि डीसी, एडीसी। तुम अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, तुम्हारा भी लिखना होगा ना, 1-3-6। फिर टाइप कर दे कितना, पैड टोटल, तुम्हारा डी आएगा कितना, अगला तुम्हारा आप लिख दे, बताओ जी ना ना। हाँ इसमें आइड वो रहेगा ना, एक चीज चलिए समझ लीजिए, यहाँ पे आ गया तो समझ लीजिए, मिस्टेक हुआ तो कुछ कुछ सीखने के लिए। जैसे हम इसके अंदर क्या लिए, नंबर लिए है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर में डाटा टाइप हम क्या लिए, नंबर, और यहाँ क्या लिखे हैं, टेक्स्ट। इंटर करें, देखिए इंटर आगे बढ़ने ही नहीं दे, आ रहा समझे ना, इसलिए क्योंकि इसका डाटा टाइप हमने क्या रखा है, नंबर, और लिखे क्या है, टेक्स्ट।
आ रहा समझे ना, इसलिए वो पहले ही समझ रहा है कि नहीं यहाँ पे आपका नंबर होना चाहिए, आपने टेक्स्ट लिखा है इसलिए यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। आ रहा समझे ना, अब कितना भी हम इंटर करेंगे सोचेंगे आगे चले जाएं, यहाँ यहाँ क्लिक करेंगे तो भी नहीं आ रहा। कब आएगा? जब हम इसको हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 103 और इंट, आ गया। हम नाम लिख लेंगे, आगे एड्रेस भर लेंगे जो भी होगा, हो जाएगा ना। कोर्स भर लेंगे, कौन सा कोर्स है, कोर्स के वास्ते डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, बताइए डेट ऑफ बर्थ। पांच फरवरी 2000, बहुत बड़े हैं जी हम लोग। हो जाएगा ना, ऐसे बनाने में कोई दिक्कत? तो पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए जिससे कोई समस्या ना हो। कौन सा? डिजाइन व्यू में आने के बाद से, जैसे हमने आईडी के लिए 8 नंबर रखा, रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए नंबर, उसके बाद स्टूडेंट नेम के लिए शॉर्ट टेक्स्ट, क्या यदि आईडी को डिलीट करना, जैसे क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे क्या, डिलीट, तो और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, यस, फिर यस हो जाएगा। अभी सेव करते, एक बार और आएगा आईडी अपने आप आ जाएगा। चाहते हैं न आए तो रजिस्ट्रेशन नंबर को सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, प्राइमरी की कर लेंगे। सर इसको प्रिंट कर सकते हैं? ये नहीं प्रिंट होगा डेटा, ये नहीं प्रिंट होगा क्योंकि मेन हेडिंग है ना, जो बनाए हैं हम वो प्रिंट होगा। डिजाइन व्यू में आने के बाद से डाटा शीट व्यू में आ जाए, ये प्रिंट होगा। आगे आप लोग बताएंगे, जैसे अभी हम लोग क्रिएट में आएंगे ना, तो क्रिएट हम लोग को हर एक ऑप्शन इससे पढ़ना है, आ रहा समझे ना, इसी में आया। जैसे रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट को प्रिंट करना, प्रिंट रिव्यू चेक करना, वो सारा बताया। फिलहाल अभी आप लोग नोट कर लीजिए कौन सा, ये डाटा सेट डिजाइन में। अब देख लीजिए इसमें, जैसे जो भी हम फील्ड बनाने के लिए आ रहे हैं अपना मेन हेडिंग, तो हेडिंग को एक डाटा टाइप के अंदर हमको रखना है। तो डाटा टाइप में आने के बाद से आपको बहुत सारे डाटा टाइप दिख रहे हैं, दिख रहा है सबको ना। अब देखिए सबसे पहले दे रहा है क्या, शॉर्ट टेक्स्ट, सबसे पहला क्या दे रहा है, शॉर्ट टेक्स्ट। तो शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब क्या हो समझ लीजिए, जैसे आपको कहीं टेक्स्ट लिखना है छोटे वर्ड में, जैसे नाम हो गया या किसी कहीं काम कर रहे हैं तो इम्प्लाई का पोस्ट हो गया, किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, या आपको कोई कोर्स लिखना है, जैसे छोटा कोई भी टेक्स्ट लिखना होगा तो उसके हम क्या सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट। उसके नीचे दिया क्या, लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट क्या, जैसे एड्रेस, जैसे हमको लंबा कोई टेक्स्ट लिखना है उसके लिए किसको सेलेक्ट करेंगे, लॉन्ग टेक्स्ट। और उसके नीचे दिखाई देगा नंबर, क्या दिखाई देगा, यदि कहीं भी नंबर लिखना चाहते हैं, चाहे आपको मोबाइल नंबर लिखना हो, चाहे आपको पिन कोड लिखना हो, चाहे आपको कोई भी ऐसा अगर जो लिखना है नंबर, उसके लिए क्या सेलेक्ट करेंगे, डेट एंड टाइम। कहीं आपको क्या करना हो, अगर जो डेट देना हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ हुआ, करंट डेट हुआ, 10 दिन पहले का डेट हुआ, कोई भी यदि आपको डेट देना है तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, डेट एंड टाइम। और उसके बाद देखिए करेंसी, और करेंसी के नीचे एक बार और आ जाए, उसके नीचे कैलकुलेटेड, कौन सा, करेंसी और कैलकुलेटेड। इन दोनों का इस्तेमाल कब किया जाता है, कि जैसे अभी आपने लिखा था फी, पहले आपने क्या लिखा, फी क्वास क्या लिखे हैं, पैट, और पैट क्वास क्या लिखे, आप बताइए फी में से जब पैट को माइनस करेंगे तब आपका क्या निकलेगा। तो जहां पे आपको कैलकुलेशन करना होगा, जहां पे क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा करना हो, चाहे भाग देना हो, उस वाले फील्ड में आप डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे, या तो करेंसी या तो कैलकुलेटर, क्लियर है ना। और उसके नीचे आएंगे तो ऑटो नंबर, ऑटो नंबर में क्या होगा कि आपको नंबर नहीं लिखना होगा, जैसे आप इंटर करते जाएंगे अगला डेटा एंट्री करेंगे अपने आप उसके सामने नंबर आ जाएगा। हाँ बस एक ही से स्टार्ट है, नहीं इसको चेंज नहीं कर सकते। ऑटो का मतलब ये है अपने आप ये नंबर देगा, यदि हम चाहते नहीं बीच से रहे, तो फिर हमको नंबर सेलेक्ट करना होगा, और नंबर सेलेक्ट करने के बाद से खुद से टाइप करना होगा मेन्यू, आ रहा समझे ना। उसके नीचे दिया है क्या, यस या नो, जैसे
इसमें जब आएंगे ना तो डेटा मिलेगा या तो यस करने के लिए आपको, जैसे सपोज के लिए हम कहीं काम करें, काम करते इसमें डेटाबेस, वहां पे हमारी कंपनी जो है इस दूसरे कंपनी से ऑर्डर लेती है और फिर उसको क्या करती है, ऑर्डर डिलीवर। तो वहां पे ये देना हो कि ऑर्डर डिलीवर हुआ तो यस, ऑर्डर डिलीवर हुआ तो वैसे यस या नो का ऑप्शन आया तो फिर हम किसको सेलेक्ट करेंगे, यस या नो। उसके नीचे आपको दिखाई देगा ओ एल ई ऑब्जेक्ट और नीचे आए तो आपको दिखाई देगा फिर क्या अटैचमेंट, ओ एल ई और अटैचमेंट। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है कि यदि आप कोई फॉर्म बना रहे हैं और फॉर्म बनाते समय किसी का फोटो लगाना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ओ एल ई ऑब्जेक्ट या तो अटैचमेंट। क्लियर है ना, जैसे किसी का फोटो लगाना हो ना तो या तो ओएलई ऑब्जेक्ट रखिए या तो फिर क्या रखिए अटैचमेंट, लेकिन ज्यादातर यूज होता है तो अटैचमेंट होता है क्योंकि ओएलई ऑब्जेक्ट सिर्फ जेपीईजी फाइल को सपोर्ट करता है, हाँ समझे ना। और जो अटैचमेंट होगा ये पीएनजी फाइल भी सपोर्ट करेगा, जेपीईजी फाइल भी सपोर्ट करेगा और जेपीजी फाइल भी सपोर्ट करेगा, आ रहा समझे ना। तो ज्यादातर यूज किसका होता है अटैचमेंट। और नीचे आए तो आपको लास्ट दिखाई देगा लुकअप विजार्ड, क्या दिखाई देगा लुकअप विजार्ड। जैसे यदि आपको ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाना है, क्या बनाना हो, ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, लुकअप विजार्ड। जैसे हम ये चाहते हैं कि एक हमारा मेल हेडिंग बना है किसका, कोर्स, किसका बना है, इसमें पहले से लिखा है डीएफए, पहले से क्या लिखा है डीएफए, एडीएफए, डीसीए, एडीसी जो भी कोर्स लिखा रहा है, हमको आ जाकर लिखना ना पड़े, क्लिक करें अपने आप सेलेक्ट हो जाए। उसके लिए हम किसमें आ जाएंगे, लुकअप विजार्ड, और लुकअप विजार्ड में आने के बाद क्रिएट कर लेंगे ड्राफ्ट डाउन लिस्ट। क्लियर है ना। तो हाँ इसमें एक और छूट रहा है कौन सा, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ईमेल एड्रेस को अटैचमेंट कर, इसको अटैच करने के लिए ईमेल। हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें ईमेल एड्रेस भी देना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हाइपर। हाइपर लिंक में ईमेल एड्रेस देने से मतलब क्या होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे आउटलुक, इसके आगे अगला हम लोग टॉपिक क्या रहेगा, आउटलुक। तो एक्सेस के बाद हम लोग आउटलुक पढ़ेंगे ना, उसमें बताएं कैसे मेल सेंड किया जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे हाइपर लिंक पे जब ईमेल लिख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्टली वो आउटलुक पे लेकर के जाएगा, आ समझे ना। या ऑप्शन देगा मेल सेलेक्ट करने के लिए, आप किसके माध्यम से मेल करना चाहते हैं आप उसको आसानी से मेल कर सकते। क्लियर है, तो डाटा टाइप क्या है ये क्लियर है सबको ना। अब डाटा टाइप में जहां जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे हम डाटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते। डाटा टाइप में नंबर नहीं लिख सकते हैं, क्या नंबर लिखे डॉट टेक्स्ट में लिख सकते हैं क्या? शॉर्ट टेक्स्ट, जैसे ये नंबर लिखे हैं इसमें शॉर्ट टेक्स्ट और एक इसके साथ लेना है, हाँ नहीं देखो नहीं ऐसा नहीं, जैसा क्या नंबर रहेगा, नहीं जीएसटी नंबर लिखना होता उसके लिए फिर हमको शॉर्ट टेक्स्ट लेना हो। शॉर्ट टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट में क्या होगा, हम अल्फाबेट और नंबर दोनों एक साथ लिख लॉन्ग सकते, हाँ लॉन्ग में, आ रहा समझे ना। जैसे देखिए अभी अगर स्टूडेंट नेम हम लिखे हैं तो किसमें शॉर्ट टेक्स्ट में ना, थोड़ा सा लिख के हम लोग देख लेते हैं, देखिएगा पहले हम सेव किए आगे किसमें डाटा सेट में। अब इसके बाद से देखिएगा यहाँ पर हमने दे दिया कितना 100, यहाँ दे दिया 09 एपी एम डी जेड, 5 हो गया है ना, एंटर कर हो जाएगा ना। यानी कि जहां पे भी जीएसटी नंबर लिखना हो आपको किसका इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी हमको जीएसटी नंबर नहीं देना है, यहाँ पे किसी का नाम देना। ऐसे आप लोग कम से कम 10 या 12 लोग का डेटा बना लीजिएगा और सबका अलग अलग एड्रेस रखिएगा, हो जाएगा ना, ताकि अगर जो एड्रेस के माध्यम से किसी को सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे आपको अब बताएंगे अगली क्लास में, आ रहा समझे ना। जैसे सपोज के लिए डाटा बेस अगर आप बना रहे हैं 2 4 10 लोग का तो होगा नहीं, 1000 लोग का डेटा बेस हो सकता है। तो आप हम ये कहें आपसे
नहीं आपने राम बोला था जितना बड़ा या पढ़ना जितना बड़ा सिर्फ पूरी वो करेगा जिससे तो कैसे फाइंड करेंगे ये आपको बताएंगे क्लियर सबको ना। तो आज आप लोग ऐसे कम से कम 10-15 लोग का डेटाबेस बनाइएगा। कितना? हाँ 20 लोग को बना लो। सबका अलग अलग एड्रेस, अलग अलग नाम, अलग अलग कोर्स। हाँ हाँ तो आज आप लोग इतना बनाइए लोग। ए